सरस्वती शिशु मंदिर शासनी में बजरंग दल का 39वां स्थापना दिवस मनाया गया। शासनी में बजरंग दल का 39वां स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि श्री पंकज शर्मा, नगर प्रचारक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर अमित भार्गव, विश्व हिंदू परिषद शासनी ने बजरंग बली की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मुख्य अतिथि ने बताया कि शासनी में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सामाजिक तथा गौ सेवा का काम कर रही है। शासनी में आज बजरंग दल के स्थापना दिवस के मौके पर सरस्वती शिशु मंदिर कोतवाली चौरा शासनी पर आयोजित कार्यक्रम जानते जो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, किस तरह ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है सर? आज सरस्वती शिशु मंदिर में जो कार्यक्रम बजरंग दल का स्थापना दिवस वर्षगांठ जो मनाई जा रही है, ये आज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा और अपने विश्व हिंदू परिषद के अपने कार्यकर्ताएँ उन लोगों के अधिकारियों के द्वारा जो आज मनाया जा रहा है 39वां ये, और आज मतलब जो स्थापना दिवस ये मनाया गया है, इसमें चाहे बजरंग दल हो चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, ये दोनों टीम उस स्तर से अपना कार्य कर रही हैं शासनी के अंदर और बहुत ही अच्छे से कार्य कर रही हैं। जहाँ कोई पशु मतलब जो बोल नहीं पाता है, उसका लिंपी जैसी बीमारी चल रही है, उसका ये लोग अच्छे से ट्रीटमेंट कर रहे हैं और सराहनीय काम कर रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद हो या बजरंग दल हो। धन्यवाद। आयोजक है मेरे साथ, वो भी बताएंगे कुछ किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के स्थापना दिवस के मौके पर शनिवार को सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल चौराहे पर समस्त बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ हमने हनुमान चालीसा का पाठ कराया, कीर्तन कराया और अल्लाह जगाया। धार्मिक आस्था के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास है हमारा और करते रहेंगे। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये थे मेरे साथ जो बजरंग दल के कार्यक्रम और कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में बता रहे थे। शासनी से देव प्रकाश, टीवी 31 न्यूज़। आप देख रहे हैं टीवी 30 इंडिया, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।